प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपडेट फॉर विज़न में आपका इस्तकबाल है। आज हम 31वां सबक पढ़ेंगे जो पेज नंबर 18 में है। इस सबक में भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट को हम हिज्जे और रवा दोनों पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट को सिर्फ हम रवा पढ़ेंगे। इस पाठ में लाम और मीम को दूसरे हरफों के साथ मिलाकर बताया गया है। लाम की शक्ल आप देखें, मीम की शक्ल आप देखें। लाम और मीम जब अकेला लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल ये होगी, और जब किसी हर्फ के शुरू में उसको लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल ये होगी और मीम की शक्ल ये होगी। आप तन्हा लाम और मीम की शक्ल को देखें और दूसरे हर्फ के साथ मिलाकर लाम और मीम की शक्ल देखें। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हिज्जे पढ़ते हैं। लाम रे जबर लड़, काफ अलिफ जबर का लड़का, लाम गाफ जबर लग, अलिफ ज़बर आ, लाम गाफ ज़बर लग अलग, ऐन अलिफ ज़बर आ, लाम मीम ज़ेर लिम आलिम, मीम सिन ज़बर मस, जीम दाल ज़ेर जिद मस्जिद, मीम झे पेश मुझ, मीम ज़बर मा, दाल दाल ज़बर दद मदद, मीम ज़बर मा, मीम दाल ज़बर मद, रे ज़बर रा, सीन हे ज़बर सा, मद रा सा, अलिफ हे ज़बर आह, मीम दाल ज़बर मद, अहमद, ते मीम पिश्तुम, हे अलिफ ज़बर हा, रे अलिफ ज़बर रा, तुम हारा, वाव अलिफ ज़बर वा, लाम दाल ज़ेर लिद, वालिद, मीम सीन पेश मुस, लाम मीम ज़ेर लिम, मुस्लिम। अब आइए इसको रवा पढ़ते हैं। लड़का लग अलग आलिम, मस्जिद मुझ, मदद मदरसा, अहमद, तुम्हारा, वालिद, मुस्लिम। अब दूसरा वाला पार्ट है। दूसरे वाले पार्ट को सिर्फ हम रवा पढ़ेंगे। आइए दूसरा वाला पाठ रवा शुरू करते हैं। ये लड़का जवान है, वो लड़की पारसा है, चोट लग गई मरहम लगा दे, बेदीन से अलग रहो, मस्जिद खुदा का घर है, मुस्लिम की मदद करो, मुझको खालिद ने बुलाया है, अहमद आलिम हो गया, बाप को वालिद कहा जाता है, मदरसा जाने में नागा मत कर, तुम्हारा नाम क्या है। 31वां सबक ख़त्म हुआ। अब इंशाअल्लाह आगे 32वां सबक में नून और ये की दूसरे हुलूफ के साथ मिलावट को बताया जाएगा।